नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं, आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। आज मैं दीपक यादव और मैं शाहजहांपुर का निवासी हूँ। जी दीपक जी, हाँ जी, आज हम आपसे जानेंगे कि सखा जी को आप कैसे जानते हैं, कब से जानते हैं। सखा जी को जानने का, सखा जी जो है मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। और जब मैं पढ़ता था, रहा हूँगा मैं उसमें, ग्रेजुएशन कर रहा था, उस पीरियड की बात है। स्वामी जी मतलब आया करते थे घर पे। अच्छा, तो मेरे से टच थोड़ा दूर ही रहता था क्योंकि मैं ज़्यादा बात नहीं करता था और ना के बराबर मेरी बात चलती थी। असल में जो सखा जी जो हैं वो उनका पापा से कुछ एक अलग ही एक संबंध था, तो हमेशा ये लोग बातें करते थे, तो कहीं ना कहीं मैं सुनता था कि ये लोग क्या बातें करते हैं ज़्यादातर, और ज़्यादातर इनका डिस्कशन जो था अध्यात्म पर ही चला करता था। और मेरा उस समय ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था क्योंकि मैं पढ़ रहा था, तो इन सब चीज़ों में मुझे रुचि नहीं थी, और क्योंकि रुचि के विरुद्ध चीज़ थी तो इनसे भी मेरा जुड़ाव कम ही रहा है इस संबंध को लेके। लेकिन समय बीतता गया, स्वामी जी आते थे और सब बातें हुआ करते थे, लेकिन मेरे से उससे थोड़ा अलग रहता था सारा बात ना, कि जो भी बातचीत होती थी वो पापा के साथ हुआ करती थी स्वामी जी का। तो ये काफ़ी समय रहा जब स्वामी जी जो थे वो उस दौर से निकल रहे थे, जो एक तरीके से कहा जाए एक संघर्ष का, या कहीं या कहा जा सकता है कि उनकी तपस्या का एक दौर रहा। तो उस पीरियड से गुजर रहे थे जहां उनके जो प्रश्न थे, प्रश्नों का जवाब यहां मिलता था। तो एक तरीके से हमारे पापा जी जो थे वो एक तरीके से गुरु की तरह उनको ट्रीट करते थे, तो काफ़ी जो था वो रहता, ये मैं देखता था दूर से, लेकिन मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। मैं मतलब कि किस संबंध में कोई बात नहीं, बस आप ऑब्जर्वर थे, बस ऑब्जर्वर थे। हाँ। कि ऐसा होता है नहीं, लेकिन पापा के जाने के बाद जब भैया का बोलेंगे स्वामी जी, आप मैं तो मेरे लिए, तो मेरे लिए तो सभी हैं, स्वामी जी बोल सकते हैं, भाई बोल सकते हैं, सखा बोलिए, लेकिन मैं भाई ज़्यादा मानता हूँ। तो मैं उस दिन जब भैया का फोन आया तो मैं रो पड़ा। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि जब पापा का, जब पापा एक्सपायर हुए, तो उस पीरियड में जैसे मैं स्ट्रेचर से जब उनको लेके बाहर आ रहा था, तो उन्होंने मेरा वहीं पे हाथ पकड़ लिया पापा ने, ठीक है, बोला कि तुमने राजे को बुलाया, तो हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा बुलाओ। तो ये चीज़ मैंने, तब मैंने उनको फ़ोन किया और मैं रो पड़ा उस समय फर्स्ट टाइम। तो वो दिन से और आज का दिन मैंने हमेशा अपने पापा को ही देखा उनके अंदर। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि जब एक लड़का किसी में अपने पिता को देख ले तो उसका मतलब उसका स्थान क्या हो सकता, मतलब है, एक तरीके से वो बॉन्डिंग जो है आपकी उस क्षण से शुरू हुई। हाँ, तो इससे पहले इतना अटैचमेंट नहीं था, मतलब बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो बाद में मैंने उनको अपने पापा को ही देखा उसमें, तो मैं जो है मानता भी हूँ ऐसे ही कि मेरी लाइफ में जो है वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं कहने भी नहीं हिचकता उनसे कोई बात भी, जो मुझे कहना होता कह लेता हूँ, जैसे अपने पापा से बात कर रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से उनसे बात होता है। और उन्होंने, मैंने अगर उनको पापा मन से बोला भी तो उन्होंने इस बात को जो है पूरा भी किया, मतलब बन के भी दिखाया है उसको। तो ये सारा चीज़ है। तो जब सखा आते थे आपके घर, हमने क्योंकि उनके ही मुंह से कहानियों में, वीडियोस में देखा है, सुना है कि पहला ध्यान उन्होंने आपके ही घर में, नीचे एक रूम है वो भी हम आपको दिखाएंगे, यहीं किया था पहला ध्यान। तो लगभग एक कितने साल पहले की बात है वो, क्या टाइम था, कौन सा सन था, कुछ याद है आपको अप्रोक्स? ये बात हो गया है जब मैं बीएड कर रहा था, 2002-2001 का बात है उसके। हाँ, उस लमसम टाइम था, दोस्ती तो बहुत पुरानी रही, लेकिन क्योंकि उस पीरियड में जो था स्टार्ट हो गया था, और पापा के संग जाना आना, मतलब हर समय साथ में रहना एक वो था, लेकिन मैंने स्वामी जी को सक्रिय ध्यान करते देखा वो कई बार, अब वो यहीं हमारे नीचे घर में बैठक में जो है वो ध्यान किया करते थे, और बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था, एक एनर्जी लेवल एक अलग ही हुआ करता था। और आज भी आप उस कमरे में जब बैठते हैं तो
तो आप जैसे ही उस कमरे में कदम रखेंगे तो आपको ऊर्जा एक चेंज होती दिखेगी, मतलब एक एक ऊर्जा का लेवल जो है आपको बढ़ता हुआ पूरे दिखेगा, घर में और पूरा उस घर कमरे में एक आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। पूरा। हाँ अच्छा, बस आपके पिताजी और सखा जी की बॉन्डिंग तो हमने समझ ली, लेकिन उस दौरान आपके घर में इस चीज़ को लेके हलचल रही होगी और लोगों का कुछ ऐसा। देखिए, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो समझ में आता है, लेकिन एक एक दोस्ती का रिलेशन जो है वाइफ को नहीं ज़्यादा अच्छा लगता मतलब हिसाब से, कि माँ को तो ये चीज़ ज़रा कम पसंद थी कि हम जो पापा को टाइम देना चाहिए माँ को वो ये ले जाते थे स्वामी जी, तो एक थोड़ा सा रहा। लेकिन जैसे जैसे शिकायत टाइप की रही हाँ, होगी। क्योंकि स्वामी जी से मिलने, सखा जी से मिलने से पहले तो पापा का ज़्यादा टाइम माँ के संग ही रहता था, अब वो टाइम इन्होंने ले लिया है तो कुछ ना कुछ नाराज़गी तो होनी होनी थी। तो लेकिन वो बाद में वो सारा चीज़ एडजस्ट हुआ और बाद में माँ ने भी सपोर्ट किया, चाहे वो चाह के या ना चाह के जैसा भी हो, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। फिर बाद में सभी लोग बैठ के अपना खाया पिया करते थे, चाय नाश्ता चलता था, बातें शातें होते थे, सब होता था, सब फिर एक बॉन्डिंग जैसे एक परिवार में जैसे हो गया। बिल्कुल। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी चीज़ है जो नया आता है तो उसको जल्दी से एडजस्ट नहीं होता, लेकिन फिर उसके जाने की कमी खलता है एक समय बाद। तो ये दौर रहा तो ऐसे ही ऐसे ही रहा। अच्छा, सखा का समाज के प्रति क्या सोच, क्या नजरिया रहा? जैसे आप तो बहुत सालों से, 97 से लगभग आप चला। जानते हैं, हमेशा से क्या उनकी विजन रही है समाज के प्रति, या क्या थॉट रहा जो आपने महसूस किया, क्योंकि आप एक सामाजिक ऑब्वियसली दृष्टिकोण आप भी रखते हैं। देखिए, हम जितने भी लोग हैं समाज में रहते हैं तो समाज की सीमाओं को तोड़ना ना हमें खुद पसंद होता है और ना उसे कोई तोड़ता है, ना वो हमें पसंद होता है, देखा भी नहीं ठीक है, जाता। देखा भी नहीं जाता इस चीज़ को। और स्वामी जी की खास बात है कि ना समाज में रहे और ना ही समाज को इन्होंने कभी भी उस नज़रिए से लिया जिस तरीके समाज सोचता है। तो बड़ी स्वच्छंद विचारधारा के रहे। और सबसे बड़ी बात इनमें हमें एक जो मुझे बहुत प्रभावित करती है कि सच बोलना, और सच वो भी नग्न सच। नग्न सच मतलब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे इससे कोई मैटर नहीं करता है, जो बात है वो कही जाएगी, ठीक है। और स्वामी जी अपने बारे में भी उतने सत्य थे, जो हमने सुनते भी थे दाएं बाएं से चीज़ें पता चलती थी। तो कभी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने किसी चीज़ को छुपाया, किसी चीज़ को छुपाया हो या कोई चीज़ को मॉडिफाई कर मतलब कोई चेंज करके बोला हो, ना ऐसा कुछ नहीं, जैसा था वैसा उन्होंने, हमने हमेशा ये कहते सुना है हमने, मैं हमेशा सुनता हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ ऐसे ही रहूँगा, तुम्हें स्वीकार करना है करो, नहीं करना मत करो, भाड़ में जाओ। तो ये मैं हमेशा मैं सुनता था और आज भी देखता हूँ कि इतना चेंज हो गया है लेकिन व्यक्ति का स्वभाव चेंज नहीं होता, आज भी वो वैसे ही हैं। और आप कहें समाज को नज़रिया, समाज का जो विकृत रूप है, जो एक ड्यूल पर्सनालिटी वाला है, दोहरा चरित्र लिए वाला है, तो स्वामी जी का मैं एक तरीके से ये ध्येय जानता हूँ कि स्वामी जी चाहते हैं कि ये दोहरा चरित्र ना रहे समाज में, बल्कि जो चीज़ है वही आनी चाहिए, वही चीज़ समाज को जो है एक तरीके से सुधार सकती है और सुनहरा अवसर प्रदान कर सकती बिल्कुल। तो एक और चीज़ हम जानेंगे आपसे, क्योंकि आपके है। पिता भी ओशो सन्यासी रहे हाँ हैं, हाँ ओशो का बहुत काफ़ी। योगदान हाँ जी हाँ कहेंगे, है ना, हाँ सब कुछ रहा है। तो आपने कभी ऐसा देखा कि ओशो का कोई ऐसा यूज़ कर रहे हैं नाम, क्योंकि बहुत ब्लेम ऐसे लगते हैं कि सखा जो है ओशो का नाम यूज़ कर रहे हैं और धंधा कर रहे हैं, नया धर्म फैला रहे हैं, ऐसा कभी आपको लगा कि पहले ऐसा कुछ था या अभी ऐसा आपको कुछ लगता है, क्योंकि अभी भी आप जुड़े हैं, जानते हैं? देखिए, ओशो से जुड़ने वाला व्यक्ति एक निराला ही व्यक्ति होगा मेरे हिसाब से। और ओशो का स्वभाव बेसिकली अफीम बेचने का था, और अफीम पीने वाले लोग ही आते हैं, और अफीम जब कहे जाए आप अध्यात्म की अफीम थी या हाँ। एक अलग ही नशा है जे जीवन का या मोक्ष का, जो भी रास्ता उनका था। तो मतलब ओशो जो है वो बताते हैं कि ज़िंदगी होश में कैसे जी जा सकती है, ठीक है। तो जो होश में जीने वाले होते हैं वही इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तो हम
जहाँ तक मैंने अपने पापा से और सखा जी से सुना है कि ओशो ही जो पहले थे जुड़ाव का एक कारण थे, तो क्योंकि जी स्वामी जी को भी कुछ ना रुचि रहा था उसमें, ओशो में, और पापा तो स्वामी थे ही उनके। तो ऐसे ही जब इसी अध्यात्म लेके जब जुड़ा हुआ, तो स्वामी जी का मतलब जो था पापा से हमारा ज़्यादा अटैचमेंट हुआ, और उस अटैचमेंट में ही बहुत से विषयों पर जो चर्चा हुआ करती थी, ये मैं देखता हूँ। लेकिन एक तरीके से जुड़ाव तो ओशो की वजह से ही हुआ, और बहुत से प्रश्नों का आपस में इन लोगों ने वार्तालाप करके मतलब अपने निर्णय निकाले, मतलब कुछ सोच अपना इन्होंने अपना अपना रखा। लेकिन अगर कोई कहे कि ओशो को कहीं पे इन्होंने यूटिलाइज किया हो या ऐसा, मुझे ऐसा दिखता नहीं कहीं पे। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, ठीक है, और एक कहा जाता है फॉलोअर, जो जैसा कहा है उसको वैसे मान लेना, एक होता है कि अपने विचारों को रखना। तो मैं सखा को दूसरी श्रेणी में रखता हूँ, और सखा ने जो था वो फॉलोअर ना होके उनके विचारों को थोड़ा सा और मतलब उसको मॉडिफाई करके उन्होंने अपनी एक अलग से विचारधारा को मतलब उन्होंने एक दिया। इम्प्लीमेंटेशन वाली हाँ, लेवल पे जब कोई चीज आती है तो तो उन्होंने उस चीज़ को डेवलप किया। तो मैं नहीं कहता कि एक सीढ़ी के तरीके से उन्होंने उसको चूज़ किया, नहीं, ये गलत तरीका है। और ये गलत तरीका कोई भी आपका नज़रिया, आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन मेरा नज़रिया सोचने का यही है, मैं यही मानता हूँ कि उनकी अपनी विचारधारा है, अब अपनी विचारधारा से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि उनको यूज़ करके ऐसा होना, तो ये बिल्कुल गलत बात है, यूज़ का कोई बात नहीं है, ना ही वो अपना ही उनका मेथड है, अपने हिसाब से चलते हैं, तो ये सारा बिल्कुल। चीज़ें। तो बात अभी थोड़ी देर पहले अफीम की चली थी, तो अफीम से ही एक सवाल और कि क्या आपने कभी सखा को नशों में, अफीम, गांजा, इस तरीके की बिहेवियर्स में, हैबिट्स में देखा? देखिए, नशा तो वो होता है जिसमें एडिक्शन हो, और मुझे लगता है सखा को किसी चीज़ में एडिक्शन कभी रहा ही नहीं, ना तो रिश्तों को लेके हुआ, ना ही किसी चीज़ को लेके हुआ। मैंने तो सखा को बहुत कीमती चीज़ें फेंकते देखा, मतलब कि एडिक्शन जैसी मुझे कुछ ही नहीं दिखती। मतलब कि एक लग्जरी लाइफ जीने के बाद, और एक संत रहा है, मतलब लग्जरी लाइफ में एक संत रह रहा है, मतलब हैं तब ठीक है, नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस बंदे को किसी चीज़ नशा हो सकता है? और मैंने अपनी लाइफ में तो कभी अभी तक याद आता है, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें कहा जाए कि उन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन था। बट हाँ, ये था कि हमारे पापा से बात करने का एडिक्शन था, वो हमेशा रहा, और आज भी मतलब जब भी होती है हमारी बात उनसे, तो पापा की ही बात होती है होती है ज़्यादातर। बिल्कुल, तो ठीक है। अच्छा, जैसे साधना काल उनका आपने थोड़ा करीबी से देखा, उस दौरान जिस दौरान आप अपने टीन एज में थे, साधना काल वाले सखा और आज के सखा में आपको कुछ अंतर नजर आता है? देखिए, एक चीज़ मैं शुरू से देखता था कि एक प्यासा व्यक्ति होता है, वो पानी के पास आता है। तो मैंने सखा की उस समय की प्यास देखी, और इस समय का मैंने तृप्त होना उनका देखा। वेरी नाइस, चला, तो दोनों बहुत चीज़ें, खूब। तो मैंने दोनों ही चीज़ देखी कि वो प्यास देखी जिस समय वो बढ़ रहे थे, जिस समय वो साधना के दौर में थे। आज मैं उन्हें देखता हूँ कि मैंने कहा अब आप बहुत ज़्यादा परिपक्व हैं और संतृप्त हैं। तो एक चेहरे पे जो एक खिलावट होती है ना, तो एक प्रसन्नता जो होती है और एक सुकून होता है, वो मैं चेहरे में देखता हूँ, देख सखा के चेहरे पे। बिल्कुल तो ये चीज़ मुझे लगती है कि जो बो रहे थे वो अब उन्होंने काटा है। काटना मतलब कि है कि जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो सत्य में उन्होंने पाया है, और वही खिलावट उनके चेहरे पर मुझे दिखती है, वही सुख शांति, वही सुकून चैन जो है उनके। है। अच्छा, एक छोटा सा और, जैसे आप काफी समय बिताए हैं, खाए हैं, पिए हैं, तो उस दौरान कभी भी आपने ऐसा देखा कि वो कोई ऐसी टाइप की बातें कर रहे हैं कि मैं इसका बुरा कर दूंगा, मैं इससे रिवेंज लेना है, किसी की बुराई में लिप्त हैं, इस टाइप का कभी नेचर या इस टाइप का कुछ आपने देखा उनके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं, वो गुस्सेनाक तो शुरू से रहे,
गुस्सा उन्हें बहुत आता था, तो गुस्से में जो है वो कह दिया छड़े और उसके बाद कूल्ड। ये मैंने नेचर उनका शुरू से देखा। पापा से मेरे कभी कभी बात होती थी तो गुस्से में इतना ये लोग गुस्सा हो जाते थे, हाइपर, जिसका लगता था कि अब ये दोबारा एक दूसरे की शक्ल नहीं शक्ल नहीं देखेंगे। तो देखेंगे। हम लोग कहते अब ये इनका छुट्टी हो गया, अब ये गए, अब ये गए, अब नहीं आने। फिर उसके बाद दूसरे दिन देखते थे कि सब नॉर्मल हो गए, वो आए बैठे, उनको चाय बनाओ, चाय पिया, सब चीज़ नॉर्मल है, कुछ नहीं ऐसा पता चल रहा है। तो जो है स्वामी जी का रिश्तों को लेके, देखिए जुड़ाव स्वामी जी का, ऐसे अगर आप कहें कि रिश्तों में बंधे हुए हैं, संबंधों में बंधे, तो ऐसा मैंने नहीं कभी नहीं देखा। और दूसरी बात चीज़ है कि रिवेंज की फीलिंग तो उनके अंदर कभी आई नहीं। अगर उन्हें लगता है कि मैं कहीं उलझ रहा हूँ तो उस चीज़ को छोड़ देना ठीक है, क्योंकि उस चीज़ में उलझ के और उलझने से अच्छा है उस चीज़ को छोड़ छोड़ देना, एक देना। खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ देना अच्छा है। वो मैंने उनको वही देखा करते हुए। तो वो उलझते नहीं बल्कि एक नया रास्ता ढूंढते हैं और उस पर चलते हैं। तो रिवेंज जैसी चीज़ मैंने तो कभी देखा नहीं, और इतना सकारात्मक सोच नहीं देखी कि जो दुश्मनी में भी सकारात्मक सोच लेते हों, लेते है हो ना। बिल्कुल। तो ये एक उनके अंदर बहुत अच्छी खूबी है कि दुश्मनी ना मान के उस चीज़ को वहीं ख़त्म करके, और उसको हो सकता है वो ये सोचते हैं, मतलब जैसा उनका मैं अपना देखता हूँ कि वो इस नज़रिए को ही चेंज करने में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी रिवेंज लिया हो। तो अब आप देखो कि मेरा उनका बहुत बड़ा पीरियड रहा, मतलब जब वो यहाँ आते थे मैं मुश्किल से 2 घंटा बात किया हूँ, सारी बातें मिला के, हाँ भैया नमस्ते और ये सब करके मेरी 2 घंटा बात नहीं ओवरऑल होगा ओवरऑल में, मतलब कि 15-16 साल में, लगभग हाँ 15-16 साल लगा, ठीक है। तो उस पीरियड में इतनी बात हुआ, लेकिन पिताजी के जाने के बाद मेरी बहुत बात, जैसे पापा से बात करता था मैं इनसे करता हूँ, सारा डिस्कशन होता है। शायद मैं अपनी वाइफ को ना बता पाऊँ वो चीज़ें बता देता हूँ, तो मैं इसलिए बताता हूँ कि मैं मानता हूँ ऐसा। और दूसरी बात यह है कि कुछ तो ऐसा संबंध मैंने देखा ही है कि जो अपने बाप तुल्य माना है, इनको पिता तुल्य माना बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और ये सारी बातें शेयर कर लेना आसान तो नहीं होता आजकल समय में, बिल्कुल तो कोई अपना इतना विश्वास जताएगा तभी ऐसी बातें कही बिल्कुल जाएंगी, है ना। बिल्कुल। दिल की बात हर एक से दिल कहीं भी की नहीं बात हर जाती। बंदे से बिल्कुल नहीं कही जा सकती, बिल्कुल तो मैं तो यही मानता हूँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जी। बात करके। कुछ और ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके पापा के और भैया के, आई मीन सखा जी के, कुछ ऐसे जो आपको याद आ रहे हो और आप हम सबसे शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब कुछ ये वाकई है, जैसे जैसे मेरा तो ज़्यादा कम मिलना कम होता था, जैसे पापा पूछा स्वामी जी कहाँ हैं, तो मैंने कहा पापा छत पे हैं, तो छत पे चले गए, घंटों बातें हो रही हैं। तो एक बार स्वामी जी ने बताया था, मैं यहाँ से, यही आप छत देख रहे हो यहाँ से, मैं एक बार यहाँ से कूद गया था नीचे, वहाँ 2 मंजिल से नीचे जाके कूद जाना, मतलब किसी बात में कूद जाओ कूद जाओ, पापा ने ऐसे बोला कि बोलो कूद जाओ, हाँ कूद जाएंगे, तो वो कूद गए। तो कभी कभी सुन के हंसी आती है ये सब चीज़ें। और इन लोगों की लड़ाइयाँ बड़ी अच्छी लगती थी जब ये लड़ते थे, पापा जब थे वो बागवानी करते थे और ये आके बैठ जाया करते थे, तो बातें बड़ी अच्छी होती थी स्टार्टिंग में, कि बड़ा ऐसा लगता था कि जो है बड़ा गूढ़ विषय पर जो है वो चल रहा है। फिर वो गूढ़ विषय कहाँ जाते थे पता नहीं कहाँ जाते थे, और लड़ाई का लेवल बहुत हाई हो जाता था, तो गाली गलौज होती भी मैंने देखा उसमें। तो लेकिन गाली गलौज वो छड़ी होती थी। मैं देखता हूँ कि स्वामी जी का नेचर और पापा का नेचर भी बहुत एक जैसा था, वो भी बहुत गुस्सा वाले थे, स्वामी जी गुस्सा आती है वो भी एकदम शांत हो जाते थे, ये भी शांत हो जाते थे, नेक्स्ट डे पता नहीं चलता था कि कुछ ऐसा हुआ भी है कि नहीं। तो ये रिलेशन बड़ा प्यारा था। और स्वामी जी जब शाहजहाँपुर छोड़ा है उसके बाद जब भी आते थे तो सबसे पहले उनका आना यहाँ होता था, तो कभी हमने पूछा नहीं कि स्वामी जी कब आए, तो हमें मालूम है कि फोन आया तो अभी आए तो उनका ये पहली था, घंटी यहीं बजती पहली थी। घंटी यहीं बजती थी। तो बड़ा देखते हैं कि ऐसे भी मित्रता निभाई जा सकती है जैसे स्वामी जी और पापा की थी, बहुत अच्छा, मतलब कि हस्बैंड वाइफ क्या रिलेशन निभाएंगे जो हमारे पापा का और स्वामी जी का रहा, था तो बिल्कुल। बहुत अच्छा। मतलब इसको तो हम नाम भी नहीं दे सकते क्योंकि बहुत सारी बाउंड्रीज क्रॉस करता हुआ एक नहीं अगर बॉन्डिंग। मैडम आप इसको बोलोगे ना तो एक तरीके से कहा जाएगी आध्यात्मिक रिश्ता, एक रूहानी रिश्ता जिसे बोलेंगे, हाँ इसको हम कुछ कह नहीं सकते, कह इसको नहीं, नाम नहीं दे सकते। बिल्कुल नाम देना ही बाउंडेशन हाँ दे देना है। नाम देना बिल्कुल। का मतलब इसका रिश्ते का अहमियत को घटा देना है, तो आप ऐसा समझो कि एक अलग ही एक ऊपर से बनाया रिश्ता था वो चला,
मोमेंट्स आपको क्या बताएं, गिनने बैठेंगे तो बहुत आएंगे. बहुत आएंगे, वक्त तो वक्त पे हम हाँ देते रहेंगे, शेयर हाँ करते इतने रहेंगे. मजाकिया भी चीज़ें हैं, इतनी कभी कभी हंसते हंसते पेट फूल जाएगी, ऐसी ऐसी बातें हैं. लेकिन अब कुछ नहीं, ऐसा फिर कभी डिस्कस बिल्कुल करेंगे, है बिल्कुल. ना. बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सब कीमती पल शेयर किए हम सबसे. तो और किस्सों के साथ हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि दीपक जी के साथ हम फिर मिले. थैंक यू. देखती थी ना, लेकिन मेरी जो सासू माँ थी उनकी थोड़ी सी अलग था. वो तो मुझे लगता था भैया थोड़े पता नहीं कैसे हुए हैं. फिर भैया आते थे, मेरे पापा का प्यार इतना था कि सब छूट जाता, कि वो खाना बनाते थे उनके खाना छोड़ देते, खा रहे हैं तो खाना छोड़ देते और चले जाते. तो मेरी सासू माँ थोड़ा नाराज होती, आ गया ले गया. अच्छा. यानी ले गया, अब गए 4-6 घंटे को. तो मैं तो नहीं थी तो मुझे पता नहीं था कैसा क्या इतना भी प्रेम होता. लेकिन पापा ने कभी मम्मी की बात सुनी नहीं, भैया आए तो सिर्फ भैया. मतलब उन लोग इतना इतनी अच्छी ट्रेनिंग, बहस और सब होती और बाहर तक जाते फिर ये लोग आ जाते, बाहर तक जाते फिर आ जाते. फिर जब मेरी सासू माँ की डेथ हो गई उसके बाद मैंने देखा कि भैया की प्रति प्यार और पापा का एक दूसरे प्रति इतना प्यार हो गया कि भैया ने हमारे हस्बैंड के प्रति बहुत सी बातों पे पापा जी से टॉपिक पे बात की तो पापा जी में बहुत चेंजेस आया कि छोड़ो उसको, ऐसा करो वैसा करो. तो पापा जी कहते थे देखो वो मुझे बता गया इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ और ऐसा करना चाहिए मुझे. उसकी बात भैया की बातों से मेरे घर में बहुत से चेंजेस भी आए. पापा जी उस पर मतलब डिसीजन भी लिया पापा जी ने. और फिर मतलब जब भैया आते थे तो मेरा भी भैया के प्रति प्रेम बढ़ा. तो जब स्वामी जी आते थे आपके पूछते थे भैया से कभी बात, आप जितने कृपया नहीं आए मेरे से. जैसे पहले स्वामी जी और आपके पापा जी, मतलब आपके भैया और आपके पापा जी का कैसा, अगर उनको किसी को बयान करेंगे इन दोनों के बारे में तो आप कैसे बयान करेंगे कि कैसे मतलब थी इनकी बॉन्डिंग, कैसी थी? इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि एक बाप बेटे की नहीं हो सकती, एक दोस्त की भी नहीं हो सकती, एक शिष्य और गुरु की भी नहीं हो सकती, उससे भी परे परे. दोनों में कैसी नोकझोंक होती थी, बातचीत होती थी? मतलब ऐसे ना बातचीत होती थी और नोकझोंक कि जैसे ये लोग सब जानते हैं दुनिया के बारे में लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं. वो कहते थे ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. अच्छा. तो इस टॉपिक पे पहले हुई बहस और उसके बाद रिजल्ट एक ही, सहमति बाद में हो जाती है. मतलब इतने तर्क वितर्क होते होंगे. हाँ, 1000 तर्क वितर्क होने के बाद डिसीजन एक ही. हाँ. तो जैसे शुरू में स्वामी जी आए यहाँ पे ध्यान करने, पहला नहीं जैसे पता मुझे तब मैं नहीं थी. अच्छा. लेकिन मेरी फैमिली में जैसे मेरी नंदे थी और सबने विरोध किया कि पापा हर समय भैया का नाम लेते थे ना. हाँ. भैया छोटे हैं हमारी दीदी लोगों से, उन्हीं के साथ रहते हैं और मतलब इतना क्यों है. लेकिन पापा ने कहा कि देखो बेटा तुम विरोध करो या कुछ भी करो मैं उसको नहीं छोड़. कोई कितना भी हमारे यहाँ मतलब VIP गेस्ट आया और अगर उनको भैया इस बात करनी उनसे कहते आप बैठो, पापा भैया ऊपर ले गए इतना आराम से बैठे हैं बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं. लैला मजनू की तरह एक तरीके. हाँ, से बहुत बहुत ज़्यादा. मैंने देखा, मैंने इतना रूप स्वामी भी आते थे, राजकुमार स्वामी, हाकिम लाल, सुशील शर्मा, मतलब कुछ लोगों के मैं नाम नहीं जानती जो आते हो, जो मतलब रोज ही आ लेते हैं, रोज मिलने पापा से इतना नहीं था. पापा तो किसी किसी को भगा देते थे भाग जाओ यहाँ से. लेकिन भैया के प्रति हमने कभी ऐसा नहीं सुना. भैया से मिलने वहाँ भी पहुँच जाते थे कभी कभी उनके घर. हाँ, मम्मी के ख़त्म होने के बाद पापा से इनसे इसके पापा से कहते मुझे छोड़ दो, वहाँ छोड़ के आओ. हाँ, कई बार ऐसा हुआ. और पापा को कहीं फंक्शन में हमारे जाना है और पता है कि भैया आने वाले हैं तो कहते तुम लोग चले जाओ, मैं बैठा हूँ घर में, मैं घर देख रहा हूँ. मतलब उनके पास बहाना था, मैं घर देख रहा. हाँ, लेकिन उनका बहाना था उनसे मिलने का. हाँ. अच्छा, जब उन्हें पता चलता था कि वो आने वाले हैं, क्योंकि उस समय शायद वो शहर में नहीं रहते थे. पापा नहीं, भैया आपके. हाँ, हाँ. वो तब तभी वेट करते थे.
दो बज गया, भैया भी फ़ोन करके बता देते थे स्वामी जी मैं 2 बजे तक सैजानपुर पहुँचूँगा। सबसे पहले भैया यहाँ आते थे तो मतलब 2 से चाहे 5 बज जाता शाम का, कितना भी ज़रूरी काम होता घर से नहीं जाता, आ रहा होगा कुछ लेट हो गया होगा, ट्रेन लेट हो गई होगी या घर में फंस गया होगा, कुछ तो बात है, आता जरूर जब कह दिया। मतलब पापा को ये विश्वास था कि वो बात के इतने पक्के हैं, कह दिया तो बात कटेगी नहीं, भैया आएंगे जरूर, तो पापा कहीं जाते नहीं, ये तो 100% था। और अगर पापा कहीं हैं और पापा भैया फोन आया कि मैं आ रहा हूँ और वहाँ पापा पता चल गया भैया आ रहा है तो वहाँ से भाग गया था। तो बेटिया हमें अपनी बहन के घर जाते थे ना यहाँ पे मलाटा किस पे बुआ थी, तो खाना आगे लगा है, वो कहती भैया खाना लगा है, कहते बेटिया मैं बाद में खा लूँगा तुम और आ जाओ। मतलब इतना प्रेम मैंने देखा भैया पे। अच्छा तब के भैया में अब के भैया में आपको कुछ अंतर महसूस होता है? बहुत चेंज है भैया में। क्या भैया में चेंज है? पहले भैया को गुस्सा बहुत आता था, अब गुस्सा नहीं आता भैया को, उतना नहीं आता, जैसे आता तो होगा क्योंकि एक तो वो स्पष्ट है, झूठ नहीं बोलते, मैं इतना नोट किया गलत नहीं करते और ना ही सहना चाहते, उनके साथ कोई गलत करेगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन वैसे भैया को छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, वो नहीं आता। भैया शुरू से लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और हैं, उन्होंने कभी लेना नहीं जाना, देखो मजबूरी आदमी से कुछ भी करवाए, हमेशा यही सोचा कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल, मतलब पहले से ही इनका नेचर ऐसा ही रहा कि किसके लिए क्या मैं कर दूँ, कैसे मदद पहुँचा दूँ। मैंने ये चीज़ नोट की है, मैं भैया के साथ अब जब से दिव्या जी आने लगी बैठती हूँ, नहीं मैं कभी बैठती भी नहीं, लेकिन जब वो मेरे घर में आते थे मैंने इतनी चीज़ें भैया में नोट की, भैया में ये चीज़ है, आपका सोना पड़ा रहे, आज तो भैया के पास बहुत कुछ है, भैया पास कुछ नहीं था, भैया के लिए मिट्टी था, कभी पलट के आपकी चीज़ को नहीं देखा मैंने, इसीलिए तो भैया इतना आगे गए। भैया ने किसी की बहू बेटी की तरह नज़र उठा के नहीं देखा, मैं भी आज से 20 साल पहले 19 साल हो गए मुझे इस घर में आई हूँ, कभी भैया ने मुझे ऐसे भी नहीं देखा। वो तो एक स्त्री को, एक बच्ची हो चाहे लड़की हो चाहे एक महिला हो, उसकी आँख सब पहचान लेती है, ये तो बात है, वो इनबिल्ट होता है उसके अंदर कि वो ये पहचान सके। मतलब इतना भैया को देखा, बहुत कम देखा समझ लो, क्योंकि भैया आए और गए आना तो होता। और पहले तो आपके पापा जी थे तब वो आते थे, हाँ अब आपके हस्बैंड हैं तो उन्हीं के मौजूदगी में आते हैं, वैसे तो शायद वो कभी नहीं। अरे भैया ने अगर दरवाजे से पूछा कि स्वामी जी खेत में हैं, भैया ने कभी अंदर कदम नहीं रखा, भैया खेत में। हम मतलब ये बात तो हम कहीं भी बोल सकते हैं, और मेरे हस्बैंड भी अपनी बहनों के सामने सबके सामने भैया की बहुत करते, कहते देखो पापा मेरे को कह के गए कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, हाथ पकड़ा गए तो मेरा हाथ पकड़े, मैं कभी फ़ोन करता मेरा पहले फ़ोन उठाते, कोई बात करता मुझे हर बात की राय देते, जो एक भाई और पिता कर सकता हूँ मेरे लिए करते हैं। भाई पिता से बात करते हैं कि पापा ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, अब पापा तो है नहीं, पापा ये अपनी बहनों से बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो भैया से बात करते कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, कुछ बातें मुझे नहीं बताते, बाहर जाके भैया से बात कर लेते हैं, तो भैया तो कहीं ना कहीं आपको भी संतुष्टि होगी कि चलो कहीं तो इनको गाइडेंस मिल रही है किसी से, तो अपनी दिल की बात कह पा रहे हैं। हाँ, और मेरे बच्चे भी ताऊ जी कहते हैं, मतलब कल जब हनुमान धाम का वीडियो देखा तो मेरी बड़ी बेटी बोली मम्मी ताऊ जी आ गए, तो ये नहीं लगा कि कोई बाहर का है, हमें ताऊ जी के हनुमान धाम पे वीडियो करी, अच्छा लगता है कि मतलब एक तरफ से नहीं, मेरे बच्चों मेरे पति इतनी रिस्पेक्ट करते तो मेरे बच्चे भी करते। तो पहले आपके हस्बैंड स्वामी जी को किस किस कैसा था उनका जब आपके पापा जी थे? नहीं, जब मम्मी थी तब इतना अच्छी, तब बॉन्डिंग की अच्छी नहीं थी, क्योंकि भैया ये सोचते थे ना, मम्मी कहती थी ना मम्मी के प्रिय थे, आके सुबह से ले जाता है, पूरा पूरा दिन दोनों गायब रहते हैं और ये वो, तो इन्हें भी लगता था ना मेरी मम्मी पूरा दिन अकेले बैठी ले जाते हैं, तो बाद में ये हुआ ना
जब मम्मी नहीं रही तो ये लगता था ना कि पापा का दिल का हाल हम लोग को तो कभी बताया नहीं. जो भी था, मेरी भी बुराई है, जो भी मेरे में कमियां थी, पापा जी भैया उठाते कि देखो ऐसा है वैसा है ये ऐसा करती है. मैं तो सुनती रहती थी, भैया फिर बताते थे ऐसे नहीं स्वामी जी, ऐसे करना चाहिए, लड़की है पराए घर से आई है, आपकी तरह कैसे हो सकती. बहुत सी चीज़ें हमारे घर में भैया से डिस्कस होती थी. और पापा जी शायद अभी होते तो बहुत सी चीज़ें. मतलब एक पारिवारिक गाइडेंस भी हुआ और बहुत सी चीज़ें सुधरी भी. हाँ, मतलब जो बिगड़ सकती थी हाँ वो सुधरी. वो सुधरी भी. बहुत बढ़िया. तो हमारी फैमिली में मतलब भैया की एक भूमिका है और रहेगी सच में. ये वही कमरा है जहाँ सखा ने पहली बार ध्यान किया था. थोड़ा सा दिखा देती हूँ. आज हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आए थे, सबसे मिलने आए थे और बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट कराया आपने भाभी. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. ये सारी बातें चल ही रही थी तो सोचा मैंने कि क्यों ना इनको यादगार बनाया जाए. बहुत बहुत धन्यवाद.